safar mera jo ban sake tu hum safar mera aandhiyon se jhagad rahi hai lao meri ab mashalon se bar rahi hai lao meri naamo nishaan रहे ना रहे ये कारवां रहे ना रहे उजाले में ब्रांड का नाम है गोप्रो नहीं है दूसरा है चीचा क्या कर रहे थे ब्रेक लगाना भूल गए ब्रेक नहीं लगाने के चक्कर में किसी को चीचा उड़ा देंगे एक दिन ओहो महान व्यक्ति बोलो ड्राइविंग भी और मूवी भी देख रहे हैं कौन है ये लोग कहां से आते हैं सुपर टैलेंटेड लोग हेलमेट नहीं पहनी है ऊपर से ओवरटेक मार रही है ऑपोजिट लेन से हाँ भाई एक एक मतलब एक से एक नमूने लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे लेकिन गागल्स जरूर लगाएंगे गागल्स कूल है लेकिन कूल लगनी चाहिए ये तो शायरी हो गई कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास Wait for side. Okay, I'll wait. Sir, jogging करके एकदम खंटाल गए लगते हैं। अरे रे यही होता है जब सर की जगह पे उसको हेलमेट को लटका के रखोगे नीचे फिर से वही कर रहा है पता इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं लोग समझ नहीं आ रहा मुझे अरे बाप रे कब खत्म करेंगे लोग कहाँ
बनाएंगे, फिर तोड़ेंगे, फिर बनाएंगे, फिर तोड़ेंगे, फिर बनाएंगे, यही काम है लोग का। केला होता अट्टहास हिंदवी स्वराज्याचा। मैडम सिग्नल तो दो। हिमालयन का उसका उसका 400 सीसी है। सबसे खराब चीज जो एसजी ने की है वो ये है कि वो लोग ने जो उसका ओवरऑल लेआउट है, मतलब जो दिखने में फर्स्ट इम्प्रेशन जो आता है वो एग्जैक्टली सेम हिमालयन के जैसा रखा हुआ है। यही उसका सबसे बड़ा नेगेटिव है। तो इसकी खुद की एक यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए ना, वैसे हुई नहीं जस्ट बिकॉज ऑफ लुक्स, जबकि गाड़ी परफॉर्मेंस इंजन वगैरह सब कुछ पूरा अलग है इससे, हिमालयन से एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। मतलब चलाने में जो आपको हिमालयन का फील आएगा वो अलग है और इसको अलग आएगा, लेकिन जस्ट बिकॉज इसका लुक्स में सेम हो गई है इसकी वजह से इसको एक डुप्लीकेट वाला टैग मिल गया है। तो ये ऐसा बोल सकते हैं कि एसजी ने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, इसको ही थोड़ा सा मतलब इन टर्म्स ऑफ लुक्स है ना उससे डिफरेंट रखना चाहिए था उन्होंने हिमालयन से। जितना डिफरेंट रखते उतना एक्चुअली इस बाइक का आइडेंटिटी और बेटर होता था और एक्चुअली पॉजिटिव होता था। पता नहीं पूरा बाइक का स्ट्रक्चरिंग हिमालयन जैसा क्यों गया है। बट एनीवेज मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इससे, एज फार एज मुझे गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है। आई डोंट हैव एनी इश्यूज एज फार एज आई एम एंजॉइंग एंड आई एम एंजॉइंग दिस बाइक। फर्स्ट डे के कंपैरिजन में अभी ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया इसको चलाते हुए और 1 वीक में इसका हीट काफ़ी कम हो गया। आई थिंक सो जैसे जैसे इंजन का ब्रेक इन होते आ रहा है वैसे इसका हीट कम होते आ रहा है। ऑब्वियसली जो फ्रिक्शन होता है वो कम होते आएगा तो हीट भी कम होगा। ओके, ऐसा नहीं कि ये परफेक्ट बाइक है, ऑब्वियसली देयर इज़ नथिंग एज परफेक्ट, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट के लिए स्कोप है इसके अंदर। तो क्वेश्चन है इसकी आपके लिए कौन सी आज के डेट में बेटर चॉइस है, आपके पर्सनल राइडिंग प्रेफरेंसेस के हिसाब से, किस टाइप की राइडिंग आपकी होने वाली है उसके हिसाब से, तो बहुत सारे फैक्टर्स मिला के डिसाइड करते हैं कि आपको किस तरीके की बाइक लेनी चाहिए। जस्ट बिकॉज कोई एक बाइक ज़्यादा पॉपुलर है इसके लिए आपको लेना है वो आई डोंट थिंक सो डजंट मेक एनी सेंस। इनफैक्ट ये बाइक ही नहीं सबके लिए एप्लीकेबल है, कोई भी चीज़ के लिए। जस्ट बिकॉज मेरे फ्रेंड ने खरीदा इसके लिए मैं भी वही चीज़ खरीदूँ, ऐसा ये इलॉजिकल है। देयर शुड बी सम रीज़न, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सेम नहीं खरीद सकते, सेम खरीद सकते तब अगर आपके लिए वो लॉजिकली सही लग रहा है तो खरीदो। डजेंट मैटर कि 100 लोग के पास है वो या 1 लाख लोग के पास है, आपके लिए परफेक्ट लग रही है, आपको ठीक लग रही है तो आप ले लो, नो इश्यूज। तो हिमालयन का KTM 390 एडवेंचर, डोमिनार,
BMW 310 GS, ये सबका टेस्ट राइड लेने के बाद में मुझे ओवरऑल ऐसा लगने लगा कि एक वो बोलते हैं ना कि आप चलाते ही आपको फील होती कि अरे ये बाइक एकदम परफेक्ट है, आपको जैसा चाहिए वैसी है। तो उस तरीके की बाइक ये मुझे लगी तो मैंने बुक कर ली, और अभी तक तो मैं रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ। आगे का तो पता नहीं, वो तो वक्त ही बताएगा। एक यही रिस्क है कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है मार्केट में, उसकी वजह से एक रिस्क तो रहने वाला ही है। बट ठीक है, रिस्क है तो इसका है। सही है भाई, आई एम 99% श्योर कि वो सैडलिंग मुझे देख के करने लगा। नॉर्मल रहता तो अगर शायद नहीं करता, मतलब नॉर्मल इन द सेंस अगर मुझे देखता नहीं तो शायद नॉर्मली जैसे जाता है वैसे ही जाता, बट एक सेंस ऑफ कंपटीशन होता ही है, विच इज फाइन जब तक कि आप उसको एकदम रैश बिहेवियर में कन्वर्ट नहीं करते हो, तब तक ये सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन इज फाइन एक्चुअली एंड इट इज़ गुड। जैसे बच्चे लोग में भी, छोटे बच्चे लोग में भी देखा जाता है कि वो लोग में एक सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन आता है, तभी वो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं अपने स्टडीज़ पे या फिर पढ़ने पे, लर्न करने पे। रुक भाई, रुक जा। ओ चीचा, थोड़ा सा जल्दी चलो, एकदम आराम से फुर्सत में जा रहे हैं। बात करने के लिए जगह मस्त सुनी है लोगों ने। I want to reach 1 million likes, so please सरपकरा 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 है।